गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कि स्पेसिफिक फ्यूल होता है उसकी कंजप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इससे क्या पता चलता है। तो स्पेसिफिक कंजप्शन अलाउ टू कंपेयर इंजन, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं इंजन को ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के जो इंजन होते हैं हम स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन से उसको कंपेयर कर सकते हैं। टू सी विच इज मोर फ्यूल एफिशिएंट, कि कौन सा मोर फ्यूल एफिशिएंट है। मोर फ्यूल एफिशिएंट का क्या मतलब है कि कम फ्यूल में ज़्यादा हमें उसकी डिस्टेंस मिले, कि गाड़ी में जैसे एक गाड़ी है एक लीटर फ्यूल, सपोज कर लेते हैं एक लीटर फ्यूल में 20 किलोमीटर चल रही है, दूसरी गाड़ी है एक लीटर फ्यूल में 30 किलोमीटर चल रही है, तो वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है 30 किलोमीटर वाली, कि कम फ्यूल में ज़्यादा हमें आउटपुट मिले, कम इनपुट ज़्यादा आउटपुट, इसको कहते हैं फ्यूल एफिशिएंट। विच इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट, इसका हमें पता चलता है स्पेसिफिक फ्यूल से। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन विच इंजन यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल, इससे हमें यह भी पता चलता है कि कौन सा इंजन सबसे कम फ्यूल है वो इस्तेमाल कर रहा है और हमें हाई पावर प्रोवाइड कर रहा है। और इट इज़ द रेशो ऑफ फ्यूल यूज्ड, ये एक रेशो होती है जो कि फ्यूल यूज्ड, कितना फ्यूल हमने यूज्ड किया, और अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन, कि कितनी उसने पावर इंजन ने प्रोड्यूस की। बेसिकली इनपुट अपॉन आउटपुट है, कि कितना हमने फ्यूल दिया और कितनी हमें उससे आउटपुट मिली। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है किसी भी इंजन के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।